बिल्डर के अड़ियल रवैये को लेकर इंपीरियल सिटी वसाहत में रहने वाले लोगों ने बिल्डर के खिलाफ शांतिपूर्वक धरना आंदोलन का आयोजन 7 दिसंबर की सुबह 9 बजे किया है। इस बारे में पीड़ित लोगों ने एक पत्र परिषद का आयोजन किया था। यहाँ पे पीड़ित लोगों ने बिल्डर के रवैये को लेकर नाराजगी जताई है। इंपीरियल सिटी वासियों ने बिल्डर के खिलाफ एल्गार करते हुए बिल्डर पर शिकंजा कसा है। लोगों का कहना है कि सिटी में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी उपलब्ध नहीं कराई गई। जो सुविधाएं है वो अधूरी है, जिसके सुविधा के लिए फायर एयरकॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कोथेवाड़ी को बार बार पत्र व्यवहार किया गया, लेकिन हर बार कंपनी की ओर से अनदेखी की गई। साथ ही बिल्डिंग के ऊपर पानी की टंकियां लगाई गई, वह हल्के दर्जे की है। बिल्डिंग के निचले हिस्से से लेकर रो हाउस की दीवारों में दरारें गिरी है। इस बात को लेकर बिल्डर को बार बार सूचित करने के बावजूद भी बिल्डर का रवैया इसी के कारण अब सिटी में रहने वाले लोगों ने बिल्डर के खिलाफ आंदोलन करने का इशारा देते हुए 7 दिसंबर को शांततापूर्ण धरना आंदोलन किया जा रहा है। बिल्डर ने काही जे प्रॉमिसेस केले होते दिले नाही आहेत, कंप्लीट करून दिले नाही। तर आमची रहिवाशांची मागणी इथे अशी आहे की आम्हाला पहिले सोसायटी मधून कन्व्हर्टिंग करून द्या, बाकीचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे स्पेशल टाउनशिप साठी ते कंप्लीट करून द्यावे। आणि मेंटेनन्सचा जो मेजर इश्यू आहे त्याच्यामध्ये त्यांना स्पेशल गव्हर्नमेंटनी एक परमिशन दिली होती की 50% त्याच्यामध्ये त्यांना कन्सेशन दिलं होतं सगळीकडे, आणि इम्पिरियम कंपनीने ॲक्सेप्ट केलेलं आहे की 10 वर्ष ते ॲट देअर ओन कॉस्ट मेंटेनन्स करतील। त्याच्यानंतर त्यांच्याकडे जे मेंटेनन्सचे पैसे आहेत ते त्यांनी आमच्याकडून पजेशनच्या वेळेस कलेक्ट करून घेतले, पण मेंटेनन्स करत नाही आहे। आजच्या डेटला आमच्याकडून एक्स्ट्रा मेंटेनन्स घेत आहे आणि मेंटेनन्सचे पैसे दिले नाही म्हणून त्यांनी आमच्या इथले लाईट पाणी आणि हे सगळं बंद करायसाठी धमकी दिली। राजकुमार मोहड़ के साथ नितिन शेगावकर की रिपोर्ट, INBCN न्यूज़, नागपुर।